वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग अगेन फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। फिलहाल तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अभी ना हमको बहुत दुख रहेगा क्योंकि आफ्टर वन आवर भाई जो हमको छोड़ के घर चला जाएगा, आई मीन उसे अपना घर में निकल जाएगा क्योंकि उसका एग्जाम है कल परसों ना नर्सों है ना परसों है भाई का एग्जाम, आईटी एग्जाम है। सो लास्ट एग्जाम है उसका, तो वो देने जाएगा फिर उसके बाद वापस आ जाएगा। लेकिन दो तीन दिन के लिए मैं भाई को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि जब भाई मेरे साथ में था ना, खाना बनाने में हो गया, फिर पानी भरने में, फिर झाड़ू एनॉल मारने में, मार्केट जाने में, हम अकेला उनसे बहुत दिक्कत होता था। लेकिन जब भाई था ये सारा चीज़ में मुझे इतना हेल्प किया, वेरी हेल्पफुल गए, वेरी वेरी हेल्पफुल, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी घर जाने के बाद में फिर हमको भूला मत देना भाई। नहीं, हम तो आ ही जाएगा, फिर आने में तो आएगा, लेकिन दो तीन दिन हम कैसे काटेगा तेरे बिना। भारी लाइन मारती है, हम लेने नहीं सक रहे लाइन। कभी कभी मारना पड़ता है ना गाइस, बहुत भारी लाइन। तो सच का यार हमको ना बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, लेकिन हम दिखा नहीं सक रहे गाइस क्योंकि भाई अभी आफ्टर वन आवर निकल जाएगा तो हम अकेला हो जाएगा। इनका जो भैया है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी है आजकल, इसलिए व्लॉग में भी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मे बी होपफुली एक दिन आप सब लोग को दिखाई देगा होगा जब वो फ्री हो जाएगा। तो चलो, मैंने व्लॉग तो अभी शुरू कर दिया है, लेट्स सी आगे आगे होता है क्या गाइस। सब लोग वीडियो में बने रहो गाइस। सब लोग भी बोलो ना मेरा भाई को आज हमको छोड़ के नहीं जाने के लिए, क्योंकि आज रात को इतना ज़ोर से बारिश दिया, इतना ज़ोर से बारिश दिया ना, बाहर पे जो बनाना ट्रीज है एक तो पूरा नीचे गिर, एक तो पूरा गिर गया वो साइड में, बाउंड्री साइड में गिरे। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि दो बनाना ट्री है मेरा रूम में डायरेक्ट गिरेगा, इसलिए मैं बहुत डर के बैठ रही थी। अभी भी देखो ना बारिश दे रहा है, भाई को बोले ना आप लोग हमको छोड़ के नहीं जाने के लिए। भाई मत जाना, मुझे जाना पड़ेगा। मत जाना भाई, जाएगा भाई तो जाएगा। भाई जो मेरा बात नहीं मान रहा है गाइस, आप लोग बता दो उसको, कमेंट में लिखो क्यों हमको छोड़ के गया बोल के। वो अपना दोस्त को फोन करके बुला दिया, उसका दोस्त जो अभी रास्ता में है आ रहे वो। सुबह सुबह मेरा खाना भी पक के रेडी है और यहाँ पे पक रहा है सब्जी। उस दिन भाई ने साग लाया था ना गाइस, सो इट्स दैट साग एंड पोटैटो, ये भी पक के रेडी हो गया, इसको हम अभी ऑफ कर दिया गाइस। सो यहाँ पे मेरा खाना भी आ चुका है, पत्ता एंड आलू फ्राई, दिस इज दाल। एक्चुअली अभी हो गया इवनिंग के वक्त, मॉर्निंग पे पकाया था मैंने, लेकिन ना मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया, डायरेक्टली अभी शाम के करीबन 4:30 PM हो रहा है। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर साथ में कर रहे हम। सुबह को खाने ही दिल नहीं कर रहा था और दिन को थोड़ा बिजी हो गया था गाइस। मैं आप सबको बता दूं कि मैंने आज व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि लिटरली आई वॉज वेरी वेरी बिजी, भाई उस दिन ही चला गया। तो टुडे इज़ द राइट एंड परफेक्ट डे क्योंकि वो वापस फिर से आ रहा है, एग्जाम आज ही ख़त्म हो गया, भाई का एग्ज़ाम जो आज ही ख़त्म हुआ है। सो अराउंड 5:30 PM शार्प यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो विल सी की क्या व्लॉग फिर कल के लिए हम लोग बनाएंगे। दिल से सो सॉरी यार मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं बना पाया। तो मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अगर चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। सो मिलते हैं गाइस, बाय।